ಕಡಲ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಡಲ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ನಗರದ ಗೋಲ್ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಿಟಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ನಗರದ ಗೋಲ್ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಿಟಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ವನ ಹೊದಿಸಿ ಮೋದಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮೂರು ವಾಯುಸೇನೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನ ಮೂಲಕ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಆಗಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 3800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಕೈಗಾರಿಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ನಮೋ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಂತಾನೆ 3000 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಸಹ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ कृष्ण शरावती तुंगा कावेरी वररंगा चैतन्य परमहंस विवेक भारत जननीय तनुजा जय हे कर्नाटक माते सर्व जनागद शांति अतोट रसिकर कंगण सिलेयुव नोट हिंदू क्रैस्त मुसलमान पारसिक जैन रुद्यान जनकन होलुव दोरे गणनाम विनति बंधुगळे गमनिसि शॉल हागेने विशेषवागि शॉल मुखेन ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹಾರವನ್ನ ಹಾಗೂ ಈ ಪೇಟವನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಇದೀಗ ಕೋರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಡಕೇರಿಯ ಈ ಪೇಟದೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸರ್ಬಾನಂದ ಸೋನೋವಾಲ್ ಅವರು ಈ ಪೇಟದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹಾರ ಹಾಗೂ ಶಾಲ್ अत्यंत प्रीतिपूर्वक स्वागत उडुपिय श्री कृष्णन नोट नमेल मेले सदा कृष्णन आशीर्वाद निटली नेपिन का सह ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಹ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗವನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆನ ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಮುಂಚೆನೇ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಆಗಮಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ 4:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಹ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಇನ್ನು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗಮಿಸುವಂತ ಯಾವುದೇ ಲೈಟರ್ ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಬಾಟಲ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಸಹ ತಿಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ और अब यहां मंगलुरु में 3700 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण शिलान्यास
और भूमि पूजन हुआ है। ऐतिहासिक मैंगलोर पोर्ट की क्षमता के विस्तार के साथ साथ यहां रिफाइनरी और हमारे मछुआरे साथियों की आय बढ़ाने के लिए अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। इन परियोजनाओं के लिए मैं कर्नाटका वासियों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन प्रोजेक्ट से कर्नाटका में व्यापार कारोबार को, उद्योग को और ताकत मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिलेगा। विशेष रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत विकसित किए जा रहे कर्नाटका के किसानों और मछुआरों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना और आसान होगा। साथियों, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से जिन पंच प्राणों की बात मैंने की है, उनमें से सबसे पहला है विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, मेक इन इंडिया का विस्तार करना बहुत जरूरी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, दुनिया में हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट के मामले में कॉम्पिटिटिव हो, ये सस्ते और सुगम लॉजिस्टिक्स के बिना संभव ही नहीं है। इसी सोच के साथ पिछले 8 वर्षों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हो रहा है। आज देश का शायद ही कोई हिस्सा है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी ना किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम न चल रहा हो। भारतमाला से सीमावर्ती राज्यों के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त किया जा रहा है, तो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को सागर माला से शक्ति मिल रही है। भाई और बहनों, बीते वर्षों में देश ने पोर्ट लेड डेवलपमेंट को विकास का एक अहम मंत्र बनाया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि सिर्फ 8 वर्ष में भारत के पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग 2 गुनी हो गई है। यानी साल 2014 तक हमारे यहां जितनी पोर्ट कैपेसिटी बनाई गई थी, पिछले 8 वर्षों में उतनी ही नई जोड़ी गई है। मैंगलोर पोर्ट में जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई सुविधाएं जोड़ी गई है, इससे इसकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ने वाला है। आज गैस और लिक्विड कार्गो के स्टोरेज से जुड़े जिन 4 प्रोजेक्ट का शिलान्यास यहां किया गया है, उनसे कर्नाटका और देश का बहुत लाभ होने वाला है। इससे खाद्य तेल की, एलपीजी गैस की, बिटुमिन की,
इंपोर्ट कॉस्ट भी कम होगी। साथियों, अमृत काल में भारत ग्रीन ग्रोथ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब ये नया अवसर है। यहां की रिफाइनरी में जो नई सुविधाएं आज जुड़ी हैं, वे भी हमारी इन्हीं प्राथमिकताओं को दर्शाती है। आज हमारी रिफाइनरी नदी के पानी पर निर्भर है। डीसेलिनेशन प्लांट से रिफाइनरी की नदी के पानी पर निर्भरता कम हो जाएगी। भाई और बहनों, पिछले 8 वर्षों में देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को जिस प्रकार देश ने प्राथमिकता बनाया है, उसका बहुत अधिक लाभ कर्नाटका को मिला है। कर्नाटका सागरमाला योजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है। कर्नाटका में सिर्फ नेशनल हाईवे के क्षेत्र में ही पिछले 8 वर्षों में लगभग 70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम हुआ है। इतना ही नहीं, लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। बंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु मैसूर रोड हाईवे की 6 लेनिंग, बेंगलुरु से पुणे को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, बेंगलुरु सैटेलाइट रिंग रोड, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। रेलवे में तो 2014 से पहले की तुलना में कर्नाटका के बजट में 4 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। रेल लाइनों के चौड़ीकरण में भी बीते 8 सालों में 4 गुना से अधिक गति से काम हुआ है। कर्नाटका में रेल लाइनों के बिजलीकरण का तो बहुत बड़ा हिस्सा पिछले 8 वर्षों में पूरा किया गया है। साथियों, आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर इतना फोकस इसलिए कर रहा है क्योंकि यही डेवलप भारत के निर्माण का मार्ग है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण उस सुविधा बढ़ाने के साथ ही बड़े पैमाने पर नए रोजगार का भी निर्माण करता है। अमृतकाल में हमारे बड़े संकल्पों की सिद्धि का रास्ता भी यही है। देश के तेज विकास के लिए ये भी बहुत आवश्यक है कि देश के लोगों की ऊर्जा सही दिशा में लगे। जब लोगों की ऊर्जा मूलभूत सुविधाओं को जुटाने में लगी रहेगी, तो फिर इसका प्रभाव देश के विकास की गति पर भी पड़ता है। सम्मान से जीवन जीने के लिए पक्का घर, टॉयलेट, साफ पीने का पानी, बिजली और धुआं मुक्त किचन, ये आज के युग में स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं। इन्हीं सुविधाओं पर हमारी डबल इंजन की सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है। पिछले 8 वर्षों में देश में गरीबों के लिए 3 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। कर्नाटका में भी गरीबों के लिए 8 लाख से ज्यादा पक्के घरों के लिए
स्वीकृति दी गई है। मध्यम वर्ग के हजारों परिवारों को भी अपना घर बनाने के लिए करोड़ों रुपयों की मदद दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत सिर्फ 3 वर्षों में ही देश में 6 करोड़ से अधिक घरों में पाइप से पानी की सुविधा पहुंचाई गई है। कर्नाटका के भी 30 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा है। मुझे खुशी है कि इन सुविधाओं की सबसे अधिक लाभार्थी हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। साथियों, गरीब की बहुत बड़ी आवश्यकता, इलाज की सस्ती सुविधा और सामाजिक सुरक्षा होती है। 8 वर्ष मूलसौकर्य के अभिवृद्धि अभिवृद्धि हेच्चिन अदरल अति हेच्चु लाभ कर्नाटक के सिक्किरुवंतागि सह मोदी तिळिसिदंतहद्दु मूलसौकर्य अभिवृद्धियल्लि हेच्चिन ओत्तु सिक्किरुवंतहद्दु एस्पेशियलि अदु कर्नाटक के हागागि ईगागले एनु मंगळूरिनल्लि प्रधानी मोदियवरु भाषणवन्न माड्ता इरबेकाद्रे सह तिळिसिदंतहद्दु ईगागले मेक् इन् इंडिया योजनेयल्लि 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನ ನೀಡಿರೋದಾಗಿ ಸಹ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಭಾಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ 70,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 2009 ರ ಬಜೆಟ್ ಗಿಂತ ಈಗ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 2 ಪಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು.